आदाब नाजरीन, आप जुड़ रहे अभी ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ महेश लती। नाजरीन, अगर बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, आई वुमेंस हैरेसमेंट की, दिन ब दिन कश्मीर में ये केसेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और आज इसी के अगेंस्ट एक यहाँ पर वुमेंस कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक़द किया जो कि वाइट ग्लोब जो कि एक NGO उन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और इसके सपोर्ट में यहाँ पर गेस्ट आए थे। अगर बात करें DSP की, जिनका नाम DSP सईद लीज शाह था, जिनने इस इवेंट को सपोर्ट किया। आइए मजीद हम इनसे बात करते हैं जिनने ये इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था और देखते हैं इवेंट करने का इनका क्या मेन एम था और आगे चलकर हमें ऐसे कोई इवेंट्स फिर से देखने को मिलते हैं या नहीं। ऐसी चीज़ों की तो बहुत अवेयरनेस है बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस या राइट्स ऑफ वुमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बर्निंग टॉपिक इन आर सोसाइटी। ये पहले भी उतना ही अहम था, अब भी इसकी अहमियत उतनी ही है। तो हमें अवेयरनेस जनरेशन जैसे भी हो करनी चाहिए अपने लेवल पर, एज कम्युनिटी एज ए सोसाइटी अवेयरनेस जनरेशन जरूरी है। डू यू थिंक के इस दौर में भी देर आर सर्टन थिंग्स जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं तो उनको रिपोर्ट करने के लिए या उस तरह की जानकारी के लिए किस तरह की दबाव? देखिए, अभी भी अंडर रिपोर्टिंग है। उसका मेन रीजन यही होता है कि सोशल टैबू होते हैं कुछ क्राइम्स के साथ, जैसे रेप की बात करें, सेक्शुअल हरासमेंट की बात करें, मोलेस्टेशन की बात करें, तो लड़कियां आगे आने से कतरती हैं क्योंकि उनके साथ एक सोशल टैबू एसोसिएटेड है कि सोसाइटी हमें जज करेगी। दूसरा रीजन ये भी है कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ मेल डोमिनेंस है, तो औरतें कतराती हैं आगे आने से। बट हमारी ये सलाह रहती है, हमारी एडवाइस रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि औरतें आगे आएं, वो आवाज़ उठाएं, उनके साथ कुछ भी गलत हो, उनके साथ कोई भी क्राइम हो अगेंस्ट वुमेन, वो आवाज़ उठाएं, आगे आएं, बिकॉज द लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट देम, द लॉ इज़ देयर टू हेल्प देम। कई मरतबा मुशाहदे में यह भी आया है कि कई औरतें पहले तो केस करती हैं लेकिन बाद में ये कहकर कि मुझे बाद में कौन एक्सेप्ट करेगा, केस वापस ले लेंगे। देखिए, इसका यही रीज़न मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सोशल टैबू है सोसाइटी के साथ। हम जिस सोसाइटी, हम जिस माशरे का हिस्सा है वहाँ अभी भी जज किया जाता है। अगर एक लेडी बोलेगी मेरे साथ भाई गलत काम किसी ने किया, रेप किया या मेरी मोलेस्टेशन की, तो लोग उसकी हेल्प करने से पहले उसको जज करते हैं, जो कि अभी भी बहुत होता है। तो डरना नहीं चाहिए, अगर आपके साथ गलत हुआ है और आप इंसाफ चाहते हैं तो आगे आना है, आवाज़ उठानी है और लॉ पुलिस आपकी हेल्प के लिए है, दे विल हेल्प। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस पे अवेयरनेस का प्रोग्राम कर लिए वुमेंस कॉलेज में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वहाँ पैनलिस्ट को देख के, यंग लॉयर्स को देख के इतना कंसर्न है वो कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 2-3 साल में। यहाँ तो 30-40% सुन के तो मैं हैरान रह गया। तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट दीज यंग लॉयर्स, एटलीस्ट ये चीज़ इन्होंने एड्रेस करने के लिए दे हैव कम फॉरवर्ड, दे आर ऑल यंग पीपल और कश्मीर ज्यूरिस्ट ग्रुप उनके साथ में है। ऐसी जैसी मूवमेंट्स चलाने में, रेगुलर चलाने में काफ़ी चीज़ें एड्रेस, ये चीज़ एड्रेस हो सकती है। ये लेडीज़ को, अपने बच्चियों को अवेयर कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, इनके राइट्स क्या हैं इनकी। तो मैं इनको सजेस्ट कर रहा था कि इनके राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों समझा दो जैसे हमारे होता था कश्मीर में, सो दैट इस मैनेस को किसी तरीके से ख़त्म करो, ऐसा होता नहीं था कश्मीर में। सो वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड वी होप वी विल बी होपिंग फ्रॉम देम कि ये ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी कॉलेजेस में करें, हमारी बच्चियों को अवेयर करें, सो दैट सोसाइटी के लिए बेटर हो। दैट्स ऑल दिस इज़ ऑफ गुलशनारा फाटा। वी हैव फादर ऑफ गुलशनारा गनी सर, डॉटर ऑफ गुलशनारा अज़दानव। And thank you, Mr. Advocate Ultaf Mehrad sir, for your precious time and for a very wonderful speech. Next, I would request Ms. Advocate Ultaf Ahmed, okay, wo aaye nahi the, Ms. Advocate Sandeep Goswami. Violence 2005. This act is based upon various chapters, about 5 chapters, and the 5 chapters have been devised in a form which provide for different reliefs. One of the chapters deals with the हम देखते हैं कि जो protection officers हैं, जो कि हर एक जिले में, हर एक district में government ने जिनको nominate किया हुआ है, designate of domestic violence which are related to the woman. The act deals with the punishment in case a woman is physically abused
The act also deals with the instances of the violence, wherein the violence is of the nature of economic violence. You can get the relief of maintenance, you can get the relief of compensation from the court itself. नाजरीन, अभी आपने देखा, हमने यहाँ पर DSP से भी बात की और जिनने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उनसे भी बात की, उनका इस हवाले से क्या कहना अभी आपने सुना ही होगा. नाजरीन, उम्मीद है हमें आगे चलकर भी ऐसे कोई इवेंट्स देखने को मिलेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आप तक ऐसी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त. मैं ग्लोबल कश्मीर के लिए महवेश लतीफ़ श्रीनगर से.